तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को वृंदावन जाने का उपदेश दिया था और ध्रुव महाराज ने अपने आध्यात्मिक गुरु का आदेश पालन करते हुए मधुवन की तरफ प्रस्थान किए। साधारणतः जब हम वृंदावन धाम या मायापुर धाम या जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं तो हरिभक्ति विलास के अनुसार प्रथम दिवस जो होता है वह उपवास करना होता है। उपवास करना जब जिस दिन तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं उस दिन कुछ नहीं खाना होता है, फास्टिंग करना होता है। तो ध्रुव महाराज जब मधुवन पहुँचे तो उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, उपवास किया और वहाँ पर नारद जी के बताए हुए मार्ग पर उन्होंने जा दूसरे दिन से अपने विधिवत सब करना प्रारंभ कर दिया। अब ध्रुव महाराज छः महीने की विधि उन्हें बताई गई थी। ध्रुव महाराज को बताया गया था 6 महीने क्या करना है। तो ध्रुव महाराज पहले महीने में केवल शरीर निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल बेर खाते थे, हर तीसरे दिन। और इस तरह से वे अपना क्या कहते तीन चीज़ें करते थे, हरिनाम जपते थे। हाँ, भगवान का जो स्वरूप का वर्णन जो नारद जी ने किया था उसका चित्त में भगवान का स्मरण करते थे, चित्त में एकाग्र चित्त होकर उन पर उनके चरण कमलों में अपना ध्यान स्थिर करने का प्रयास करते थे। और तीसरा भगवान के गुण रूप लीला आदि का स्मरण करते थे। इस तरह से छोटा सा बालक ध्रुव इस तरह से पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर अपने काया वाचा कर्मणा द्वारा लगा हुआ था। पहला महीना बीत गया, हर तीसरे दिन खा रहे थे। दूसरे महीने महाराज ध्रुव छः दिन के बाद घास खाना चालू किए, केवल घास खाते थे। हमारी स्थिति थोड़ी अलग है तो हमारी स्थिति और ध्रुव महाराज की स्थिति में बहुत अंतर है, लेकिन एक 6 महीने का बालक, 5 साल का बालक क्या कर सकता है इस पर विचार करना चाहिए। फिर हमारे अपने जीवन पर विचार करना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एकादशी अर्थात दुप्पट खाशी, मराठी में एक कहना है ऐसा, एकादशी दुप्पट खाशी। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन वैरायटी फूड की बदल जाती है, प्रसाद की वैरायटी बदल जाती है, क्वांटिटी उतनी होती है ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी के दिन हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। तो एकादशी व्रत करने का पद्धति यही है कि पहले तो आप निर्जला कीजिए। साधारणतः जो सीरियस डिवोटीज़ है, एडवांस डिवोटीज़ है, वे लोग निर्जला करते हैं। जो ज़्यादा ही सीरियस है उनके लिए तो एकादशी दशमी से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन एक बार खाते हैं, एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते, जल पीकर रहते हैं, और दूसरे दिन द्वादशी के दिन वो फास्ट ब्रेक करते हैं। एकादशी व्रत करने से हमारा हृदय बहुत जो सॉफ्ट हो जाता है, अर्थात जितनी सारी अनर्थ है हमारे हृदय के वो एकादशी की कृपा से भगवान निकाल देते हैं। वैसे तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत सारे व्रत रहते हैं ऐसे, कोई किसी देवता का व्रत करता है, कोई किसी देवता का व्रत करता है, लेकिन उन व्रतों को करने से हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि कोई इतवार का व्रत होता है, कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई गुरुवार करता है, बहुत सारे व्रत करते हैं, लेकिन कई सारे वर्षों तक व्रत करने के बाद भी जो स्वभाव है वैसे ही का वैसे ही रहता है। लेकिन जो वैष्णव भक्त जो एकादशी का व्रत पालन करते हैं उनका हृदय जो है जो कड़क स्वभाव वाले रहते हैं वो सॉफ्ट नरम हो जाते हैं, दूसरों के प्रति दया आ जाती है। एकादशी व्रत करने कई सारे फल हैं।
हृदय कोमल हो जाता है, तप करते हैं ना। तो तीसरे महीने में वे प्रत्येक नौवे दिन, अब प्रत्येक तीन दिन हो गए, छह दिन, तीसरे महीने में हर नौवे दिन में वे केवल जल पीते थे ना। हमें तो बोला जाता है कि रोज के तीन तीन चार चार लीटर पानी पीना चाहिए। यहाँ पर ध्रुव महाराज की तब पर क्या कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमारी स्थिति अलग है, लेकिन जिद है, तपस्या कर रहे हैं। तो हर छः नौवे दिन वे जल पीते थे। इस प्रकार से समाधि में वे अपने भगवान श्री हरि को स्मरण कर रहे थे। वास्तव में हुआ क्या, महाराज परीक्षित की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। महाराज परीक्षित एक बार वन में गए थे और वहाँ पर भूख और प्यास होने लगी थी। उस कारण से, भूख और प्यास के कारण उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया। अब जब महाराज परीक्षित को रियलाइजमेंट हुआ इस बात का कि मुझसे भूख और प्यास के कारण एक वैष्णव के चरण में अपराध हो गया, तब तो उन्होंने खाना और पीना पूरी तरह से छोड़ दिया और वो गंगा के तट पर बैठ गए थे कि बोले कि अब मुझे अपने अंतिम समय तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, क्योंकि इसी की वजह से सारा गड़बड़ हुआ है। और सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से कथामृत का पान करते करते महाराज परीक्षित की जो हृदय में जो लालसा है खाने पीने के प्रति वो भी खत्म हो गई, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ता प्रवचन कर रहे थे और कथा दिन रात चल रही थी। अभी हम लोग एक घंटे के बाद आधे पौने घंटे में कथा समाप्त कर देंगे, कि महाराज परीक्षित और सुखदेव की जो चर्चा थी वो दिन रात चल रही थी। इसलिए भोजन तो उनको मिल रहा था, कौन सा भोजन मिल रहा था, आत्मा का भोजन मिल रहा था। देखिए, हम लोग स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, दोनों स्थिति में भोजन की आवश्यकता है। स्वस्थ तो खूब खाते हैं, बीमार रहते तब तो ज़्यादा आवश्यकता है कि स्वस्थ होने के लिए। तो बीमार अवस्था में भी हमें खाते रहते हैं, लेकिन आत्मा का जो भोजन है वो श्रीमद् भागवतम है। तो महाराज परीक्षित शारीरिक धरातल से ऊपर हो चुके थे और आत्मा का भोजन कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे। इस कारण से उन्हें भौतिक जो मतलब खाने पीने की जो लालसा खत्म हो चुकी थी। ध्रुव महाराज की भी यही स्थिति थी। ध्रुव महाराज पर नारद जी की विशेष कृपा थी और उस विशेष कृपा के कारण, विशेष अहित की कृपा के कारण ध्रुव महाराज की खाने पीने में को समय बर्बाद नहीं करना चाहते, उनके लिए टाइम वेस्ट था। अब खाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन वो भी उनके लिए वेस्ट था। वो तो 2400 घंटा नाम जप कर रहे थे, 2400 घंटा भगवान का स्मरण कर रहे थे, 2400 घंटा उनका जो चित्त था वो भगवान के चरण कमलों में स्थिर था। भगवान प्रकट हो चुके थे उनके हृदय में और बस उन वो केवल वो भगवान के सुंदर स्वरूप को निहार रहे थे। इस तरह से ध्रुव महाराज अपना समय वहाँ पर व्यतीत कर रहे थे। चौथे महीने में वो हर 12वें दिन श्वास ले रहे थे, उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया। जो योगी होते हैं, आपने देखा होगा पूर्व काल में योगी जन बहुत समय तक जीवित रहते थे, क्योंकि वो सांस अपने हिसाब से लेते थे। वो आध्यात्मिक बल है, उससे वो शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे कि आप कम समय में सांस ले लेके जीवित रह सकते हैं। आज भी हिमालय में कई सारे ऐसे योगी मिलेंगे आपको जो इस तरह से लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। हमें केवल उन्हीं लोगों से प्रयोजन है जिनसे भगवान से प्रयोजन है, जिन्हें भगवान के प्रति रुचि है, बस हमें उनके चरण कमलों का आश्रय लेना है। लेकिन ऐसे योगी जन होते हैं संसार में। तो हर 12वें दिन ध्रुव महाराज श्वास ले रहे थे। 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने श्वास लेना भी बंद कर दिया, और जब श्वास लेना बंद कर दिया
तो भगवान को इन्होंने हृदय में बंदी बना रखा था। और हुआ क्या, सारे जो सृष्टि में जो एयर सप्लाई हो रहा था वो बंद हो गया। और सारे जो देवता लोग थे वो भगवान के पास पहुंच गए। जो वायुदेव है, जो इंचार्ज है, वही खुद समझ, जो मिनिस्टर है वही खुद समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऑक्सीजन कैसे बंद हो गया। सब परेशान, इंद्रदेव पहुंच गए वायुदेव के पास, क्या हो गया? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबको सारा सिस्टम तो ठीक है, मान लीजिए जल, जो मान लीजिए अमृतसर शहर में पानी ना आए, और कहाँ पर त्रुटि है, अगर इसका इसके बारे में अगर मिनिस्टर को ही पता ना हो तो हास्यास्पद बात हो जाएगी। तो इन देवताओं को पता नहीं था कि हो क्या रहा है। तो वे ब्रह्मा जी को ले लेकर, शिव जी को ले लेकर सब भगवान के पास पहुंच गए। और वहाँ पर भगवान से टेलीफोन पर बात किया, अर्थात ब्रह्मा जी के पास नंबर होता है। श्वेत दीप में, क्षीर सागर में सारे देवता जाते हैं, वहाँ पर सारे देवता स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जो भी संदेश देना होता है तो भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से देवताओं को देते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि भगवान डायरेक्ट भी देवताओं के सामने प्रकट होकर बात करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी के माध्यम से वे संदेश सुनाते हैं। यहाँ पर भगवान ने डायरेक्ट बात की क्योंकि इमरजेंसी थी। तो भगवान ने कहा कि ये जो सृष्टि में जो गड़बड़ हो रही है इसका कारण है मेरा भक्त ध्रुव। और ध्रुव महाराज ने क्योंकि मुझे बंदी बना रखा है और क्योंकि वो श्वास नहीं ले रहा है, उस कारण से सारे सृष्टि की वायु बंद हो चुकी है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अभी शीघ्र वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर ध्रुव को इस घोर तपस्या से मुक्त कर दूंगा। लेकिन इसके पहले घटना ये हुई थी कि जब नारद जी ने ध्रुव को भेज दिया वन में, तब नारद जी पहुँच गए महाराज उत्तानपाद के पास, उसके पिता के पास। और उसके पिता ऐसे मायूस बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि मेरे बेटे का क्या हुआ होगा, बेचारा जंगल में चला गया, अब तक तो शेर चीते ने खा लिया होगा। उस समय नारद जी वहाँ पर आते हैं और उत्तानपाद महाराज उठकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने आसन पर बैठाते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि नारद जी आप कैसे आना हुआ। तो नारद जी पूछते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, सूखा हुआ है, क्या हो गया? तब उत्तानपाद ने कहा कि मैं स्त्री के अधीन हूँ और इस स्त्री लंपटता के कारण मैंने अपने 5 साल के सुकुमार ध्रुव को घर से निकाल दिया, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, उसे अब तक की कोई शेर भीर इत्यादि कुछ खा गए होंगे। तो नारद जी हंसते हुए बोलते हैं वो भगवान पर आश्रित रहकर घर से निकला है, उसका कौन बाल बाका कर सकता है। देखिए भगवान समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे एक चींटी भी उसको काट नहीं सकती। ध्रुव महाराज जंगल की तरफ जा रहे थे, जंगल में ही थे वो, पर स्वाभाविक रूप से उनकी जो मुलाकात थी वो शेर, गीदड़, बहुत प्रकार के अजगरों से, सांपों से, बहुत प्रकार के वन्य जीवों से हुई होगी। लेकिन क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हैं और भगवान उन्हें प्रेरित नहीं करते मारने के लिए, तब तक वो कैसे मार सकता है कोई? तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तब ध्रुव की स्तुति करते हुए नारद जी कहते हैं कि आपको शायद पता नहीं है लेकिन ध्रुव की चर्चा इस समय सारे ब्रह्मांड में हो रही है, आपका ध्रुव वर्ल्ड फेमस हो गया है और शीघ्र ही वह भगवान को प्राप्त कर लौटेगा, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके लौटेगा। तो ये सुनकर उत्तानपाद महाराज कुछ हर्षित हुए, उनको कुछ सुख मिला और वे ध्रुव का इंतजार कर रहे थे। और वहाँ से नारद मुनि चले गए वैकुंठ में।
भगवान के धाम में। यहाँ पर 5-5.5 महीने तो हो ही गए थे। जब ये देवताओं का जो प्रसंग था, देवता लोग भगवान के आने से पहले नारद जी वहीं पे थे और नारद जी भगवान से समझा रहे, ध्रुव ही चर्चा कर रहे थे भगवान के धाम में कि प्रभु टाइम हो गया है, 6 महीने का टाइम दिया था, अब आपको भी जाने का समय हो गया, आपको भी जाना चाहिए। ये नरसिंह पुराण में कथा है कि भगवान नारद जी वैकुंठ धाम में जाते हैं और भगवान से ध्रुव की स्तुति करते हैं और भगवान भी नारद जी से इस भक्त के बारे भक्त के गुणों को सुनते हैं और नारद जी को आश्वासन देते हैं कि मैं, हाँ मैं जा रहा हूँ। और तभी ये देवताओं का प्रसंग होता है, देवता जन आते हैं तभी। अब जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं तब ध्रुव की आंखें बंद होती हैं और उसका जो ध्यान है वो पूरी तरह से हृदय में जो भगवान का स्वरूप है उस पर केंद्रित होता है और भगवान सामने साक्षात खड़े हैं, लेकिन भगवान अभी करे क्या, कैसे उसको बुला, कैसे जगाए, कैसे समाधि से बाहर कैसे निकाले। तो भगवान ने विचार किया, मुझे अपना ही स्वरूप जो उसके हृदय में है वो अंतर्धान करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, तब जाकर वो विचलित होगा और वो अपनी आँखें खोलेगा। तो भगवान ने वही किया और तुरंत ध्रुव विचलित हो गया कि मेरा जो मेरे इष्ट देव थे, जो मेरे प्राणधन थे, वो कहाँ चले गए। और जब उसने आँखें खोली तो भगवान साक्षात सामने उपस्थित थे और ध्रुव 5 साल का बालक था। भगवान को देखकर क्या करना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा था उसे। उसने दंडवत कर दिया और कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, स्कूल तो गया नहीं था। 5 साल का बालक तो प्ले ग्रुप में अभी डाल देते थे, है ना, तो प्ले ग्रुप में डालते हो, तो स्कूल गया नहीं था उस समय। और स्तुति क्या करनी थी, भगवान की स्तुति क्या करनी थी, कुछ पता ही नहीं, ट्रेनिंग मिली नहीं थी। बोलना चाहता था ध्रुव, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो भगवान उसकी उस व्यवस्था को समझ रहे थे, दुर्दशा को समझ रहे थे और भगवान ने कृपा करके भगवान ने अपना शंख जो है वो ध्रुव के गाल पर छू दिया। और जैसे ही वो शंख ध्रुव के गाल को छू दिया, सारा जो वेदों का सार है वो ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हो गया। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हम यदि बहुत बार शास्त्रों का अध्ययन कर ले लेकिन वो शास्त्र में समझ में नहीं आएंगे। क्यों? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और भगवान की कृपा तब होगी जब वैष्णवों की कृपा होगी। वैष्णव की कृपा होगी तब हम यदि शास्त्र पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तब हमें हृदय से भगवान सहायता करते हैं उस शास्त्र को समझने के लिए। देखिए, भगवान से ही स्मृति निकलती है, भगवान से ही विस्मृति निकलती है और भगवान ही समझा सकते हैं। एक और आपको उदाहरण देता हूँ। भगवान शांति दूत बनकर गए थे। कहाँ गए थे शांति दूत बनकर? कौरवों को समझाने के लिए। उस समय दुर्योधन धृतराष्ट्र कोई भी पांडवों को राज्य देने के फेवर में नहीं था, लेकिन भगवान शांतिदूत बनकर आए थे और भगवान प्रपोजल्स दे रहे थे और बहुत सारे प्रपोजल्स देने के बावजूद भी दुर्योधन नहीं मान रहा था। तो भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन क्या हो गया, क्यों तुम नहीं समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो धर्म क्या है, धर्म क्या है? तो दुर्योधन बोलता, हाँ जानामीम धर्मम नच्छमे प्रवृत्ति। मैं भगवान मैं धर्म जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं धर्म नहीं जानता हूँ, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मुझे उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है उसमें। जानामि मम धर्मम नच्छमे निवृत्ति। मैं अधर्म में जानता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि मैं अधर्म कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरी उसमें उससे निवृत्ति नहीं होती। तो भगवान कहते हैं, क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? बोले, जो सबके हृदय में वो मेरे हृदय में भी है और मुझे
धर्म के लिए प्रवृत्त, धर्म का पालन करने के लिए वो जो प्रवृत्त नहीं करते हैं। दुर्योधन कहता है ऐसा, बाहर से भगवान समझा रहे हैं और अंदर से भगवान उसको समझने नहीं दे रहे हैं। तो जब तक भगवान किसी वस्तु को समझने नहीं देंगे आपको, तो आप समझ नहीं सकते हो। भगवान के पास कॉपीराइट है अपना, सबको नहीं देते, अपने अपने आप को समझने सबको नहीं देते वो, अपने आप को ऐसे सौंपना पड़ता है उनको। जब जब कोई भक्त प्रेम करता है उनसे, तो प्रेम ही भगवत के अधीन होना पड़ता है, इसलिए वो इतने आसानी से अपने आप को सौंपते नहीं है। सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, लेकिन प्रेमा भक्ति इतने आसानी से नहीं देंगे वे। क्यों? अहम भक्त पराधीन, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर प्रेमी प्रेम दे दिया अपना भगवान से, कोई अगर विशुद्ध प्रेम करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, और भक्त उन्हें अपने हृदय में बंदी बना देता है। जब अम्बरीश महाराज की प्रसंग में, जब दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए थे, शायद पहली और आखिरी बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया था और भगवान उसकी सहायता करने में विफल हो गए। दुर्वासा ऋषि बोल रहे थे, प्रभु मेरी मेरा सहायता कीजिए, ये सुदर्शन चक्र आपका है, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने कहा, तुम मेरे शरणागत हो, लेकिन मैं भक्तों के शरणागत हूँ। अम्बरीश ने मुझे अपने हृदय में बंदी बना रखा और तुमने अम्बरीश का अपमान किया है, तो मैं इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो भगवान अपना प्रेम दान इतना सहज नहीं देते, इसलिए भक्तों की बहुत सारी इच्छाओं को निश्चित पूरा करेंगे वो। अगर हम लोग भक्ति करें और भाई बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, तो उसको निश्चित पूरा करेंगे वो, लेकिन अपनी प्रेम भक्ति को इतनी सहजता से नहीं देंगे, बहुत परीक्षा लेंगे। लेकिन यदि हम लोग साधु शॉर्ट, इसका भी उपाय है, यदि हम लोग साधुओं के आश्रय में भक्ति करेंगे, जैसे ध्रुव ने किया, नारद मुनि के आश्रय में डगैड़न से भक्ति किया, तो वो जो दुर्लभ वस्तु है वो भी सहज हो जाएगी। कि भगवान ऐसे महान भक्तों के अधीन होते हैं, यदि वो रिक्वेस्ट कर दे कि मेरे इस शिष्य को आपका प्रेमी भक्त बना दीजिए, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में जब आध्यात्मिक गुरु, वास्तव में दीक्षा क्या है हमें समझना चाहिए, दीक्षा क्या है। जीव गोस्वामी कहते हैं तत्व संदर्भ में कि जो जो दिव्य ज्ञान जो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को देता है, जो भगवान के गुण रूप लीला आदि के बारे में जो गुरु अपने शिष्य को बताता है, वो दीक्षा है। वो वास्तविक दीक्षा यही है, अध्यात्म ज्ञान देना ही वास्तविक दीक्षा है। फिर प्रश्न उठ सकता है कि ये नाम बदलना, माला देना और यज्ञ इत्यादि करना, ये क्या है? ये भी दीक्षा का पार्टी है, लेकिन वास्तविक दीक्षा तो भगवान का दिव्य ज्ञान है। ऐसे उदाहरण, एक उदाहरण है कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और उसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, और वो लड़की भी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती है, विवाह तो हो गया, लेकिन सोशलाइजेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए विवाह किया जाता है और बड़े 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 समाज को बुलाया जाता है, और उस समाज के सामने, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, वैष्णवों के सामने, वे एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत समाज के सामने विवाह होता है, तो इसका असर वो पति पति दोनों पर होता है कि अरे मैंने पूरे समाज के सामने मैंने इनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, तो लड़का भी पूरे लड़का भी विचार करते कि पूरे समाज के सामने मैंने इसको स्वीकार किया है, तो इसका चित्त पर गहरा असर होता है और उनका संबंध अच्छा तगड़ा हो जाता है।
गाढ़ा संबंध हो जाता है। लेकिन ये यदि ना हो तो हो सकता है गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जब शादी होती है धूमधाम से करनी चाहिए, इसके पीछे मानसिकता यही होती है। धूमधाम से शादी करने के पीछे मानसिकता यही होती है कि इन ये दोनों जीवन भर आपस में एक दूसरे के साथ रहे। तो उसी तरह से गुरु, आप आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं और आध्यात्मिक गुरु आपको स्वीकार करता है, दीक्षा तो हो गई और दीक्षा, लेकिन ये सोशलाइजेशन जो है यज्ञ इत्यादि करना ये भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे जैसे दीक्षा के समय क्या होता है, मंदिर में भगवान के सामने, वैष्णव के समा वैष्णव समाज के सामने, गुरु जी गुरु के सामने, अग्नि के सामने वो भक्त व्रत लेता है कि आज से मैं कृष्ण का हो गया हूँ, आज से मैं जितने सारे मेरे भौतिक इच्छाएं हैं सब कुछ त्याग कर मैं केवल आज से कृष्ण का हूँ। और ये दीक्षा के समय जब वो पूरा सेरेमनी होता है उससे उसमें दृढ़ता आती है कि मैं आज से कृष्ण का हूँ। और फिर नाम बदल दिया जाता है। नाम क्यों बदला जाता है? जैसे बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम अपने आप को हमारे जो पूर्व का जो लीगल नेम है उससे उसके अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं कि मैंने पीएचडी किया है, मैंने मास्टर्स किया है, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वो हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है। तो हमारा हम उस नाम के साथ जुड़े हुए हैं कि इस ये नाम ये है। और वास्तविक जो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो हम लोग को भूला रहता है हमेशा। दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु शिष्य का नाम बदल देते हैं और दास की उपाधि दे देते हैं जो कि सर्वोच्च उपाधि है। जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हमारा जो वास्तविक स्वरूप हम कृष्ण के दास है। हम लोग वकील नहीं है, हम लोग डॉक्टर नहीं, हम लोग इंजीनियर नहीं, हम लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के दास हैं। तो आध्यात्मिक गुरु हमारा जो भी नाम लगा हुआ होगा उसको हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं, भगवान के संबंध में नाम दे देते हैं और साथ में उसमें दास लगा देते हैं। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति अपने आप को भगवान के दास के रूप में आइडेंटिफाई करने लगता है। फिर वो सारे फिर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। फिर वो ये नहीं बोलता कि भक्तों के समाज में वो नहीं बोलता कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने आप को जब वो इंट्रोड्यूस करता है, कैसे करता है कि मैं दास हूँ, मैं ये दास हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ, मैं राधा रानी दासी हूँ, तो इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करता है भक्तों के समाज में। तो स्वाभाविक रूप से बार 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 स्मरण होता है उसे कि मैं दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। तो वो जो बॉडली कंसेप्ट है कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ये सब हट जाता है। ये तो इसके पीछे ये साइंस है, दीक्षा देने के प्रति साइंस है। लेकिन वास्तविक दीक्षा क्या है? जो भगवान का जो भगवान की जो शिक्षा है, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, वो जब आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को देता है वो वास्तविक दीक्षा है। और जो कोई सिंसियर भक्त है, जो कोई जो भक्त कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कुछ सिंसियरली भक्ति करते हैं, तो साधु लोग ऐसे ऐसे भक्तों को पर विशेष कृपा करते हैं। और जब वे कथा करते हैं ऐसे लोग बहुत एकाग्र चित्त सुन कर सुनते हैं। और तो आध्यात्मिक गुरु या साधु अपने हृदय से कथाओं के माध्यम से कृष्ण को वो प्रदान करते हैं, कृष्ण को ट्रांसफर करते हैं अपने हृदय से साधुओं के, वो शिष्य के हृदय में ट्रांसफर करते हैं कथाओं के माध्यम से। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को दीक्षा नहीं दी ना, सुखदेव गोस्वामी ने केवल भागवत कथा की और कथा के माध्यम से उन्होंने कृष्ण को महाराज परीक्षित को दे दिया। और फिर अंतिम समय में अनुजानी माम ब्रह्मन वाचम यश्चामि अधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेता प्रवेश विसृजामि असुर। महाराज परीक्षित कचित भगवान में स्थिर हो गया और भगवान के धाम को चले गए। तो इस तरह से भगवान
ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव महाराज ने शंख, ध्रुव महाराज भगवान ने उन पर ध्रुव पर विशेष कृपा की और तब भगवान की स्तुति करने लगे ध्रुव महाराज। नारद जी की कृपा से ही ऐसा हुआ था कि साक्षात भगवान उनके सामने 6 महीने में उपस्थित हो गए थे। और ध्रुव महाराज भगवान की विविध प्रकार से स्तुति करते हैं, उन स्तुतियों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे विनंती है कि कभी उसको पढ़ना चाहिए। भागवत को रोज पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके, प्रभुपाद जी ने प्रपट लिखे हैं। प्रभुपाद जी का अगर दिनचर्या देखा जाए तो प्रभुपाद जी दिन भर में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कार्य था, उनको अनुवाद करना था, तो रात को 11-11 बजे 1-1 बजे उठकर ये कार्य करते थे। तो हमारे घर पर जो भागवतम है पैकेट में है, उसको ज़रा खोलना चाहिए और उसको नित्य नियम से पढ़ना चाहिए। वो लाइब्रेरी के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं बनाया है, पढ़ने के लिए बनाया है। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके इस विचार से, इस दृष्टि से कि आगे जाकर लोगों को भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाए, भगवान को समझना सुलभ हो जाए, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट करके ये कॉमेंट्री लिखी, परपट लिखे हुए हैं। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक देता हूँ भागवतम पढ़ने की। 1 हफ्ते में आप 1 चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस चैप्टर में अगर 30 श्लोक है, 30 श्लोक, उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? हाँ, 4.25 के आसपास हो जाएगा। तो 4 या 5 श्लोक रोज पढ़ने हैं, बस अनुवाद के परपट के साथ 4-5 श्लोक रोज अगर पढ़ते जाए तो आपका हफ्ते भर में 1 चैप्टर हो जाएगा। इस तरह से आप 1 महीने में 4 अध्याय कंप्लीट कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है, सिंपल। समझ में आ रहा है? मान लीजिए दूसरे अध्याय में 25 श्लोक है, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितने पढ़ेंगे? 3 श्लोक। 3 श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं। तो इस तरह से हर हफ्ते आप, और मान लीजिए किसी समय बड़ा चैप्टर आ गया, डिवाइड कर दो, 2 दिन को काउंट करो, 14 को डिवाइड बाय 14, 2 वीक्स में पढ़ लो। कोई बड़ा अध्याय आ गया जिसमें 50 श्लोक है, उसको 14 में विभाजित कर दो, डिवाइड कर दो 14 से, तो भी आपको 3-3 श्लोक ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप हर हफ्ते प्रभुपाद जी का परपट पढ़ सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की और ध्रुव महाराज भगवान से कहने लगे कि प्रभु, बस मुझे आपके शीघ्र आते शीघ्र मुझे आपका परिकर बनना है, मुझे आपके निज धाम में जाना है, मुझे अब यहाँ में रहने की कोई इच्छा नहीं है। तो जो पद चाहिए था, वो सब चाहिए था, वो ध्रुव महाराज बोलेंगे, कहा मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था और आप मुझे तो हीरे मिल गए, मुझे अभी कोई लालसा नहीं बची है प्रभु, मुझे आपकी केवल, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने आपकी भक्ति जो निष्काम भाव से करनी चाहिए थी, आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए थी, वो मैंने एक राज्य प्राप्त करने के लिए वो भक्ति कर रहा था। वास्तव में ध्रुव महाराज जिस राज्य की कामना कर रहे थे वो आध्यात्मिक जगत की कामना कर रहे थे, क्योंकि वो, उन्हें वो राज्य चाहिए था जो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। अब ब्रह्मा जी के सोर्स कौन है? श्री नारायण। ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण के नाभि कमल में से प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर का धाम किसका है? भगवान का। तो ध्रुव महाराज एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान, ध्रुव महाराज भगवान के धाम की ही कामना कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव, निश्चित रूप से तुम्हारी जो कामना है उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छा है, उसको तुम पूरा करो। क्या? बोले 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करो। और उसके पश्चात
36,000 वर्षों के पश्चात तुम मेरे धाम में आओगे। कौन सा धाम? भगवान ने क्या किया? ध्रुव की क्या इच्छा थी? मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जो ब्रह्मा जी के ऊपर है। तो हर हर ब्रह्मांड में एक वैकुंठ होता है, लोकल वैकुंठ होता है, लोकल ऑफिस वैकुंठ का। जैसे हेड ऑफिस मुंबई में होता है, झू हमारा हेड ऑफिस है मुंबई में है, लेकिन पूरे देश भर में इसकी ब्रांचेस है। उसी तरह से हेड ऑफिस तो गोलोक वृंदावन है, लेकिन हर ब्रह्मांड में एक वैकुंठ होता है, जिसे आप क्षीर सागर बोल सकते हैं, श्वेतद्वीप बोल सकते हैं। और उन उस धाम में भगवान रहते हैं। जो ब्रह्मा इत्यादि जो लोग बार बार भगवान की स्तुति करने के लिए जाते हैं, वो श्वेतद्वीप ही जाते हैं। तो भगवान ने उस श्वेतद्वीप धाम को ध्रुव महाराज का नाम दे दिया, ध्रुव लोक कर दिया। ध्रुव लोक दूसरा कुछ नहीं है, वो भगवान का धाम वैकुंठ ही है। और कैसे प्रमाण कर सकते हैं कि ध्रुव वो वही स्थान है? 36,000 वर्ष के पश्चात जब ध्रुव महाराज का शरीर छोड़ने का समय आया था, उस समय वैकुंठ जगत से भगवान के नंद और सुनंद आदि पार्षद आए थे गरुड़ जी के साथ और ध्रुव महाराज को ले गए। भगवान ने कहा था ध्रुव महाराज को, कहा जाना है तुमको ध्रुव लोक जाना है, 36,000 वर्ष करने के बाद तुम ध्रुव लोक जाओगे। तो ध्रुव लोक ले जाने के लिए कौन आया है? भगवान का वैकुंठ जगत से भगवान के पार्षद आए हैं। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुव महाराज वैकुंठ ही गए हैं और जो ध्रुव लोक है वो वैकुंठ धाम ही है। तो 6-5 वर्ष के बालक ने भगवान को 6 महीने में प्राप्त कर लिया। हमें भी अपने जीवन में, हमारा जो जीवन है, छोटा सा जीवन है जो मिला हुआ है हमें इस समय, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं। और ये सौभाग्य का आप और सौभाग्य का वास्तविक आस्वादन तब कर पाएंगे जब जो जो अच्छे अच्छे भक्त हैं उनका अनुसरण करेंगे। तो भागवत को अपना जीवन बनाना चाहिए। जैसे जो नारद जी ने उपदेश ध्रुव महाराज को किया, वो हमें हमारे लिए भी उपयुक्त उपदेश है। हरिनाम जप करना है, भागवत पढ़ना है और भगवान की सेवा करनी है, अर्चा विग्रह की पूजा करनी है। तो तीन कार्य करने से हमारा जो भौतिक कलमश है, भौतिक कामना है, भौतिक कलमश है, कर्म बंधन है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते जाएगा। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि नित्य नियम से भागवत का श्रवण कीजिए, भागवत का अध्ययन कीजिए और भागवत की कीर्ति को गाइए। भगवान की कीर्ति और यश को गाना चाहिए। भगवान की कीर्ति और यश में इतना सामर्थ्य है कि जब हम लोग उसके संपर्क में आते हैं तो उससे हमारा जो पूरा जो जीवन है वो पूरा शुद्ध हो जाएगा। भगवान की कीर्ति और यश में इतनी शक्ति है कि जो संसार के बद्ध जीव जब उसे सुनते हैं तो उनका विषयों की तरफ जो लालसा है वो खत्म हो जाती है। संसार को जो प्राप्त करने की, संसार को जो भोगने की जो कामनाएं है वो सारी समाप्त हो जाती है यदि हम भगवान के बारे में सुने। अरे संसार की कामनाएं ही है जो हमें इस संसार में फंसा रही है। तो जब हम भगवान के गुणों को सुनेंगे तब क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। एक उदाहरण देता हूँ, इसी के साथ हम लोग इसको इस कथा को समाप्त करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, प्रश्नोत्तर ले लेंगे थोड़ा। जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, रेलवे जंक्शन में क्या होता है? गाड़ी एक जगह से आती है और दूसरी जगह जाती है।
अक्सर ऐसा होता है कि जब एक ट्रेन एक दिशा से आती है और उसको विपरीत दिशा में जाना होता है उस दिशा में, तो उसका इंजन निकाला जाता है. आपने देखा होगा इंजन निकाला जाता है, दूसरी पटरी से उसको पहले ले लिया जाता है, बाद में गाड़ी के उस तरह से उस तरफ लगा दिया जाता है, फिर से गाड़ी दूसरी दिशा में जाती है. तो ये भागवत कथा जो है बिल्कुल वैसी ही है. साधु संघ जो है बिल्कुल जंक्शन की तरह है. हमारा जो जीवन शैली है पूरी तरह से कैसी है, कैसा है जीवन शैली? हम लोग इंद्रियों का पोषण करने में लगे, हमारे इंद्रिय दूषित है क्योंकि हम लोग संसार को भोगने का प्रयास करते हैं. और क्योंकि स्थिति ही ऐसी है, बाहर संसार की स्थिति ऐसी है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, आओ इस मॉल में आओ, उस मॉल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो वो करो, बड़े बड़े ऑफर्स होते हैं संसार को एन्जॉय करने के लिए. लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए कोई विज्ञापन नहीं होता है. तो ये जो भागवत कथा होती है, ये साधु संघ जो होता है, वो एक जंक्शन की तरह है जहाँ पर आने से आपकी दिशाएं बदल जाएंगी. आप जो यहाँ पर जो आते हो हर संडे, आप खुद देखिए, जो लोग नित्य नियम से संडे को हर संडे आते हैं, उनका पहले का जीवन और अभी के जीवन में बहुत अंतर है. पूरी दिशाएं बदल गई है. नाम जप करने से जो हमारी पुरानी आदतें थी, बुरी बुरी आदतें थी, वो सब छूट गई है. सिगरेट दारू इत्यादि जो जीजो पीने की आदत है, सब छूट चुकी है. अभी सात्विक आहार अच्छा लगता है. अभी जो लोग दारू पीते थे, मांसाहार करते थे, वे लोग आज भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, नाम जप की कृपा से, जब वे लोग उस स्थान को देखते हैं तो उल्टी आ जाती है उन्हें, छी छी थू थू ऐसा लगता है. तो ये देखिए खुद अंतर देखिए आप. तो साधु संघ एक जंक्शन की तरह है, भागवत कथा एक जंक्शन की तरह. जब भागवत के संपर्क में हम लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो गाड़ी है, हमारा इंजन है, रेलवे की इंजन है, हमारा जो जीवन के इंजन है, वो भगवान की दिशा की तरफ ही जाएगा, तो अन्यत्र भटक ही नहीं सकता. तो इसलिए भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए. सबसे आसान उपाय है भागवतम, और भागवत का ही सार है हरिनाम संकीर्तन, इसलिए हम लोग नाम जप करते हैं. नाम जप करते वक्त हमें भगवान का स्मरण होना बहुत अनिवार्य है, और वो स्मरण होता नहीं है. नाम जप करते भगवान का नाम जप करते, लेकिन नाम जप करते समय भगवान याद नहीं आते. उसका अर्थ ही है क्योंकि हम लोग भागवत नहीं पढ़ते हैं. जो भागवत को पढ़ेंगे तब जप करते हुए भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा. जो भागवत नहीं पढ़ेंगे तो लीलाओं का स्मरण कैसे होगा? इसलिए भागवत को पढ़ना बहुत आवश्यक है. तो हम लोग यही विराम देते हैं और प्रश्न लेना चाहेंगे, किसी को भी प्रश्न है. हम लोग 4 सत्र में इस कथा को लिए हैं, तो यदि आप लोगों के भी प्रश्न है तो हम प्रयास किया जाएगा उन प्रश्नों का उत्तर देने का. माइक है. बोलिए प्रभु जी. आपका कहना है कि उन्होंने जो मुकुट पहना था वो सोने का मुकुट था और कली ने उन पर प्रभावित कर दिया उनको. देखिए महाराज परीक्षित जैसे भक्त जो है ना, वो कलयुग जैसे से प्रभावित होने वाले नहीं हैं. उन्होंने कली का दमन किया था अपने जीवन में. तो ये सब देव की इच्छा से होता है. भक्तों के जीवन में जो कुछ होता है वो देव की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है. वो फाइल उनकी भगवान के पास होती है, तो बाकी कोई मायका लाल उस फाइल को हाथ में रहे, कोई उस भक्त को स्पर्श नहीं कर सकता. अगर भक्त के जीवन में कुछ होता है तो इतना जान लेना चाहिए कि भगवत इच्छा से हो रहा है.
अगर भक्त के ऊपर संकट आते हैं तो भगवान को पता है इस पर संकट आ रहे हैं और भगवान जानते हैं कितना संकट किस समय देना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे महाभागवतों के जीवन में जो महाभागवत है परीक्षित महाराज, उनको माया स्पर्श नहीं कर सकती। देखिए भगवान के समय भगवान के लिए कहा जाता है जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, तो वो जो सिद्धांत है जन्म कर्म क्षमे दिव्यम वाला, वो ऐसे महान भक्तों को भी अप्लाई होता है। ऐसे महान भक्तों को माया स्पर्श नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कुछ लोग इसको इस बात को कहते हैं बाहर, लेकिन मैंने कभी शास्त्रों में बात लिखी पढ़ी हुई मिली मुझे मिली नहीं है। महाराज परीक्षित को महाभागवत थे और वो जो शाप हुआ था ये सब भागवत की लीला को प्रकाशित करने के लिए ये सब हुआ था। भागवत की लीला को भगवान की लीला को प्रकाशित करने के लिए सब हुआ था। ठीक है जी प्रभु। जी 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 साक्षात भगवान सामने प्रकट हो चुके थे, अब कौन सा पीछे पिछला कर्म बच गया उनका। एवरीथिंग वॉज ओवर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, हिंदी में बोलना ठीक रहेगा इस, कि भगवान की जिम्मेदारी भी होती है कि संसार पर एक योग्य व्यक्ति का राज्य हो, एक धर्मपूर्वक एक धर्म धार्मिक व्यक्ति का राज्य हो। देखिए दुर्योधन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, दुर्योधन एक अच्छा राज्य का पालन कर सकता था, मैनेजर अच्छा था वो, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था कि वो धार्मिक नहीं था, धार्मिक था, अधर्मों के पथ पर चलने वाला व्यक्ति था। और राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वो प्रजा को भगवत प्राप्ति हेतु अवसर प्रदान करे। अगर राजा धार्मिक ना हो और धर्म के पथ पर चलने वाला हो तो वो क्या होगा, तो सारे संसार में वो मांसाहार को अवैध संबंधों को जुआ इत्यादि को बढ़ावा देगा। लेकिन धर्मराज हो, यदि धर्म का पालन करने वाला राजा हो तो वो जगह जगह मंदिर बांधेगा, प्रसाद बांटेगा और जनता को समाज को कृष्ण को प्राप्ति करने हेतु एक प्लेटफॉर्म देगा। तो जब ध्रुव ने भगवत प्राप्ति तो कर ली थी और भगवान चाहे तो उनको तुरंत बुला भी सकते थे, लेकिन भगवान ने देखा कि जब ध्रुव एक धर्म क्षत्रिय है, पहले बात तो क्षत्रिय थे वो और धर्मराज थे, धर्म का पालन करने वाले थे, तो ये इनका अगर राज अगर हो जाए तो इनके कारण से जो प्रजा होगी वो बहुत सुखी रहेगी और उनको भी भगवत प्राप्ति करने हेतु अवसर प्राप्त होगा। तो उस प्रयोजन से भगवान ने ध्रुव महाराज को इतनी लंबी आयु दे दी। क्योंकि भगवत प्राप्ति होने के बाद अब कुछ शेष तो नहीं बचा है, क्योंकि भगवान को छोड़कर जाने वाले तो है नहीं, भगवान तो हमेशा उनके हृदय में रहेंगे। और जब भगवान साक्षात इस धराधाम पर नहीं होते हैं तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वे भी वही कार्य करते हैं, क्या संसार के बद्ध जीवों को कृष्ण से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये इस कारण से भगवान ने उनको 36,000 वर्षों तक राज्य दिया। जी जी 13 years यस और किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। Thank you.
जी देखिए भगवान की कृपा से व्यवस्था तो है। देखिए भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है दो कारणों की वजह से। एक तो जीवों को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मिले और दूसरा भगवत प्राप्ति करने हेतु एक प्लेटफॉर्म मिले। तो भगवान की व्यवस्था है। क्या है भगवान की व्यवस्था? हरि नाम है, भागवत है, भक्तों का समाज है, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान उपस्थित है, साधुओं के रूप में भगवान उपस्थित है। तो भगवान ने तो व्यवस्था कर दी है। आप भगवान को दोष नहीं लगा सकते कि भगवान ने आपने अवसर नहीं दिया। जैसे मैंने पहले भी बात बताई थी कि मान लीजिए अमृतसर से किसी का ट्रांसफ़र लंदन हो जाता है, तो लंदन में भी भगवान ने व्यवस्था कर दी है। मंदिर है, हरिनाम है, भक्त है, प्रसाद मिलता है वहाँ पर, सारी व्यवस्था कर दी है। अब हमारे ऊपर है कि इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सर्वप्रथम हृदय में लालसा होनी बहुत आवश्यक है। लालसा, अगर लालसा है तो रोज भगवान के सामने जाकर आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि आप अब रास्ता बताइए प्रभु। जिस तरह से ध्रुव को आपने नारद ध्रुव को रास्ता बता दिया, प्रहलाद को रास्ता बता दिया, हजारों हजारों भक्तों को आपने भगवत प्राप्ति का रास्ता बताया, प्रभु मुझे कब बताएंगे, मुझे भी मेरी भी सहायता कीजिए। दो प्रार्थनाएं हमेशा करनी चाहिए, दो प्रार्थनाएं। एक तो शुद्ध भक्तों की संगति और दूसरा है भगवत प्रेम। देखिए श्रीमद् भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं। कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, बहुत सारी प्रचेताओं की स्तुति है, बहुत सारी स्तुति भागवत में है। उन समस्त सुदामा जी की स्तुति है, उन समस्त स्तुतियों में ये दो चीज़ें कॉमन हैं, अकिंचन प्रेमी भक्तों की संगति और दूसरा भगवान के लिए प्रेम, निष्काम प्रेम। तो इन दोनों वस्तुओं के लिए प्रार्थना नित्य नियम से करनी चाहिए, सिंसियरली। तो आप ये प्रार्थना करेंगे रोज सुबह दोपहर शाम जब भगवान के सामने जाएंगे, तो धीरे 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 ये जो प्रार्थना है ये गाड़ी होती जाएगी। गाड़ी शुरुआत में तो मैकेनिकल होगा, शुरुआत में जो प्रार्थना की मैकेनिकल, कम्प्लीटली मैकेनिकल हो सकती है, लेकिन धीरे 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 रोज प्रार्थना करते जाएंगे, रोज आपकी लालसा बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, कंडेंस होते जाएगी। धीरे 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 जब आप भागवत में महान भक्तों के चरित्र सुनेंगे तब आप रोने लगेंगे कि मेरी स्थिति ऐसी कब होगी, मुझे कब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। हम जब जप करते हैं ना, तो जप करते वक्त भी जब एक प्रार्थना ही है, और अपने आप को दीनहीन अवस्था, अपने आप को दीनहीन मानकर, अपराधी मानकर जप करना चाहिए कि जो मेरी स्थिति है भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कितने सारे जीवों के प्रति अपराध किए हैं, बहुत सारे पाप करके बैठा हूँ। तो इस तरह से माफ़ी मांगते हुए भगवान से अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए जप करना चाहिए। तो वो जप करना चाहिए, अच्छे से जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, और धीरे धीरे वो कंडेंस्ड होते जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा कि भगवान भी कन्विंस हो जाएंगे ठीक है अब कुछ व्यवस्था करते हैं तुम्हारे लिए इसी जन्म में आने के लिए। तो कुछ भी संभव है। ये भगवान भागवत में इतने सारे चरित्र क्यों रखे गए हैं? तो कि हम लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करें और अगला जन्म की क्यों इंतज़ार करें, प्रयास करना चाहिए कि जी ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है इसमें सौभाग्य से भक्तों का समाज मिला हुआ है, हरिनाम करने का अवसर मिला हुआ है,
भागवत सुनने का अवसर मिला हुआ है तो अगले जन्म का क्यों इंतजार करें, इसी जन्म में प्रयास करना चाहिए। अगले जन्म का क्या करें, कहाँ जन्म होगा पता नहीं। बैक टू गॉड इट, वो प्रयास तो कीजिए पहले, भगवान दे देंगे। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु की, प्रभु मुझे और किसी शरीर किसी और माँ के गर्भ में नहीं जाना है, बस अभी जाना है तो सीधा भौमलीला में प्रवेश करवा दीजिए। ये प्रार्थना तो कीजिए कम से कम, लालसा तो होनी चाहिए हृदय में, और भागवत को अपना जीवन बना लीजिए। भागवत से भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। भागवत को जीवन बना लीजिए, भागवत को सुनिए, भागवत को पढ़िए, भागवत को बोलिए, कीर्तन कीजिए, तो इससे एक बहुत बल मिलेगा। श्रीमद् भागवत से काम क्रोध लस्ट ग्रीड एंगर पर कंट्रोल करने के लिए बल मिलता है। भागवत की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन भागवत बल देगा। किसी का और प्रश्न इस पर? निरापराध नाम लेना चाहिए, ठीक है। नाम तो सब समय लेना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी कारण सुबह नहीं उठ पाते कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद लीजिए, 6 बजे उठ जाइए। लेकिन नाम जब निरापराध होने से नाम अपना फल देगा। आप सुबह जब करेंगे लेकिन अपराध के साथ नाम जब करेंगे तो नाम सुबह भी अपना फल नहीं देगा। नाम जब करना चाहिए, निरापराध नाम जब करना चाहिए। वैष्णव का किसी की भी निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव की निंदा नहीं होनी चाहिए, सब में भगवान का अंश है। तो प्रयास ही होना चाहिए और हमेशा हृदय में भावना होनी चाहिए कि जब करते हैं तब माफ़ी मांगनी चाहिए, कि हृदय से भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि प्रभु मेरे से बहुत सारे गलती हुई है, अपराध हुए हैं। अनंत कोटि जीव है संसार में, पर हम लोग अनंत कोटि समय से घूम रहे हैं संसार में, पता नहीं हमने कौन कौन से जीवों के प्रति कितने कितने पाप और अपराध करके बैठे हैं, और कर्म बंधन हमारा कितना जाड़ा है पता नहीं हमें। तो नाम जप करना चाहिए किसी भी समय, कीर्तन या सदाहारी। महाप्रभु ने कहा है कीर्तन सब समय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत उत्तम होता है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य समय भी कर सकते हैं। लेकिन हर समय एक बात निश्चित या ध्यान रखनी चाहिए कि निरापराध नाम होना चाहिए। पर ये धारणा होती कुछ लोगों की, नाम जप करते अपराध नहीं करो बाद में कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। बोले भाई 2 घंटे नाम जप करना है, किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है, उसके बाद चालू, ऐसा नहीं होता है। हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए। साधु संघ किसे कहते हैं? साधुओं का जो कैरेक्टर है ना, उनका जो शुद्ध भाव है भगवान के प्रति, उनको देखते हुए हमारा जो कैरेक्टर है उस पर आधारित करना चाहिए। जैसे हम महान वैष्णव को देखते हैं, जैसे हमारे गुरुजनों को देखते हैं, जैसा उनका स्वभाव है, उनका जो भाव है भगवान के प्रति, उनका जो कैरेक्टर है, वैसा कैरेक्टर हमारा होना चाहिए। तो भागवत में इतने महान वैष्णव के चरित्र रखे गए हैं, तो बारम्बार इनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो धीरे धीरे हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। सुत गोस्वामी ने इतना लंबा प्रवचन किया, कभी किसी की निंदा नहीं की। चलो नहीं करते निंदा, ठीक है। और किसी का प्रश्न? नहीं, भगवान के धाम जाने के लिए कर रहे तो अच्छी बात है। हाँ बस
बस ये तो सर्वोच्च स्थिति, वो तो सर्वोच्च स्थिति है, वो सर्वोच्च स्थिति है, लेकिन कम से कम ये भौतिक जगत के जो हमारे जो इच्छाएं हैं उनसे मुक्त होने के लिए अच्छा है कि हम लोग एक जो प्रबल इच्छा है भगवान के धाम में जाने की वो करें। ग्रेजुअली ग्रेजुअली उस स्टेज पे आ जाएंगे तब समझ में आ जाएगा महान भक्त है उनको तो वो मिले नहीं मिले उनके लिए सब सेम है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता व जगदीश काम है ममा जन्मनि जन्मनेश्वरे भवता भक्त रहे तू कि तु। और बहुत सारे भागवत में भीष्म पितामह मरने के समय सोच रहे थे कि मेरा पता नहीं मुझे मुझे कहाँ जन्म मिलेगा, हाँ तो वो उनके हृदय में ये सब लालसा नहीं होती, उनके जन्म यही चाहिए कि प्रभु हर हर जन कहीं भी किसी भी योनि में जाऊँ तो आपके भक्तों की संगति मुझे मिलती रहे, आपकी कथा मुझे सुनती मिल सुनने मिले, बस यही मेरी कामना है। तो ये उच्चतम स्थिति है, लेकिन भगवान के धाम में जाने की जो कामना है ये भी सही है, ये भौतिक कामना नहीं है, ये कामना तो होनी चाहिए भगवान के धाम में जाने की, ये कामना होनी चाहिए क्योंकि भौतिक कामना नहीं है, आध्यात्मिक कामना ही है। जी प्रभु जी जी तो दुर्योधन की बात दुर्योधन तक रहने दीजिए, हृदय में लालसा होती है तो भगवान कृपा करते हैं, हृदय में इच्छा होती है भगवान को जानने की समझने की, चार प्रकार के लोग हैं, अगर जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं भगवान सहायता करते हैं, अगर इच्छा नहीं है तब छोड़ दीजिए तो भगवान भी सहायता नहीं करेंगे, डिजायर होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी तब भगवान रास्ता बता देंगे, अगर इच्छा नहीं है प्रिटेंड कर रहे हैं भारी रूप से दिखावा कर रहे हैं तो भगवान सहायता नहीं करेंगे, सहायता करते लेकिन देखेंगे कि ये तो ढोंग कर रहा है तो फिर ठीक है छोड़ देते हैं, भक्त लोग भी आशा छोड़ देते हैं, ढोंग नहीं करना चाहिए, अगर वास्तव में सिंसियरली अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो रोएगा वो, किसी को वृंदावन जाने नहीं मिल रहा है, लोग बोलते हैं अरे भगवान की जब कृपा होगी तब जाएंगे, भाई टिकट तो आपको निकालना पड़ेगा टिकट तो निकाल लीजिए, भगवान की कृपा तो हमेशा रहती है लेकिन जीव की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। जी माता जी वो तो संसार है, तो संसार जैसे संगति में रहेंगे वैसा रंग चढ़ेगा, तो अधिक से अधिक समय भक्तों की संगति में रहना चाहिए तो आध्यात्मिक इच्छाएं होती रहेगी। जैसे हम एक शराबी है, अगर शराबियों के बीच में रहेगा तो बस और शराब की कामना होती रहेगी, अगर भक्तों की संगति में है तो भक्त लोग बोलते रहेंगे अरे आज 36 आज 32 माला हो गया आज 64 माला हो गया, तो हमारे अंदर भी लालसा हो जाएगी अरे मेरे मुझे भी करना चाहिए, हम लोग सुन नहीं रहेंगे ना हम ऊपर से अरे उस भक्त ने 32 माला कर दिया आज मुझे भी करनी चाहिए, तो जैसी संगति में रहेंगे वैसे रंग चढ़ेगा, धीरे धीरे कामनाएं खत्म हो जाएगी, भगवान के बारे में सुनेंगे भगवान की कीर्ति भगवान के यश को सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, तो संसार के प्रति जो संसार के भोगों को जो प्राप्त करने की जो कामनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी कम होते जाएंगे। और ओके ठीक है एक प्रश्न है कैन यू कम अहेड निश्चित करेगा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता हमेशा चालू रहता है, तो नाम जप कीजिए करते रहिए अखंड जप कर ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए और भगवान आपकी स्थिति को जो जिस स्थिति में भी आप हैं भगवान आपकी स्थिति को बदल देंगे, और किसी में सामर्थ्य नहीं है आपकी स्थिति को बदलने की, ना आपने ना आपके परिवार वालों में ना किसी में नहीं है, ना किसी देवता में सामर्थ्य है ना किसी बाबा में ना किसी बेबी में सामर्थ्य है कि आपके जीवन में आई हुई स्थिति को बदल सकता है, और आपके जीवन की स्थिति को भी बदल सकता है
तो एक ही है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। नाम जप कीजिए और अपने आप को उनको समर्पण कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।